सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले भगवा सरकार वोट पाने के बाद गरीबों को भूल जाती है। गरीबों को ही भूमाफिया बताकर प्रताड़ित करने में लगी योगी सरकार के अधिकारी पीछे नहीं है। ऐसा ही एक मामला राजधानी के चिन्हट के निजामपुर मल्हौर का है, जहां ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख की शह पर गरीब और झुग्गी झोपड़ियों पर कब्जा करने का प्रयास जारी है। 45 वर्षीय मोहर्रम अली पुत्र सुलेमान अपने पूरे परिवार के साथ पिछले दो पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, लेकिन 6 सालों से अपनी जिंदगी का एक एक पल मौत के आगोश में आता देख कर सर पर कफन बांध के रहते हैं। कुछ करना चाहते हैं इन 5 सालों में जो हमारे साथ मुसीबत हमारे ऊपर किए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता है। और यहाँ के लोग भी देखते हैं कि हाँ इस गरीब के साथ किस तरीके से हरकतबाजी करते हैं। कौन लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं भाई? वो शुरू से आज 6 साल से पहले से हसमुद्दीन और रमेश भारत रावत था, परेशान किए हुए था। अब जो वो किनारे हो गए हैं तो अब जो है ये रामदास प्रमुख जो है अपने भाई को आगे ला के खड़ा किए, बताता है कि ये राम विलास की है, हमारी है। कुछ अगर करते हैं, बनवाना चाहते हैं लेटरिन या कोई चीज़, तो बस कहीं FIR कर देता है, पुलिस आने लगती है, कहीं नगर निगम के लोग आने लगते हैं, हैं जो कि उसकी बदली भी हो गई है। वो कितने सालों से इस ज़मीन पर रहते हैं आप? 45 साल से यहाँ रह रहे हैं। 45 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। ये विवाद कब से चल रहा है आपका? ये तो 6 साल से हमको परेशान किए हैं, इतना परेशान कर दिए हैं कि हम एक एक पैसा के भिखारी बना दिए हैं। इस बारे में शिकायत की कहीं पे आपने? हम गए, सब कहीं गए, कहीं कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही। नगर निगम कमिश्नर के पास गए, नगर निगम गए, नगर आयोग के पास गए, जो कि हम साथ में भी लेके गए, मतलब लड़के बच्चे इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी लेके साथ गए। धमकी मिलती थी इस गर्मी में, हम जानते थे कि हमको मार देंगे, इसीलिए हम अपनी जो है वाइफ को साथ में लेके जाते थे, अपने बच्चों के साथ में लेके जाते थे, कि हम जानते थे कि इस तरीके से जो हमारे पीछे पड़े हमको कहीं भी मार सकते हैं। अच्छा, तो क्या आपके ऊपर हमला भी किया गया? जी, दो बार हमला हुआ। फिर हमारा रिश्तेदार असलम जो हमारा थोड़ा सा साथ दिया, तो उसको भी जान से बिल्कुल मार दिए थे, मगर फिर भी जो है हम किसी तरीके से हम लोग बचा लिए। मारने पीटने के बावजूद जो आपने जो है, जब आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने तहरीर दी पुलिस में जाकर के सब दिया, या किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा लिखा गया मगर कुछ नहीं किया गया। जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंटी भूमाफिया टास्क का गठन कर भूमाफियाओं पर नकेल कसने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जोर दे रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं का बोलबाला अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निजामपुर मल्हौर में देखने को मिला।